क्या हुआ था जी? ये पतंग चढ़ा रहे थे तो पतंग चढ़ाते चढ़ाते छप्पड़ में डिग गया मेरा पुत्र। मेरा मुंडा पतंग चढ़ा रहा था तो डिग गया पतंग चढ़ाते चढ़ाते छप्पड़ से। अकेला था जाओ सब? ये दो तीन बच्चे थे। 10 साल के बच्चे की छप्पड़ विच डुब्बण करके हुई मौत। टांडा के पिंड म्याणी विच हुई दुखदायी घटना। तस्वीर विच जो ये माँ विलाप कर रही है, इसका 10 साल का बच्चा पतंग फड़ते समय छप्पड़ विच डिग पैंदा है। भरा नूं डुबते वेख के भैण वालों भी पिछे छाल मारी जाती है। लोगों वालों कुड़ी नूं ते बचा लिया गया, पर 10 साल का मासूम बच्चा मौत के मूँह विच जा पिया। मासूम बच्चे की मौत होने पर परिवारक मैंबर का की हाल होया होएगा, ये तुसी आप ही वेख सकते हो। क्या हुआ था जी? ये पतंग चढ़ा रहे थे तो पतंग चढ़ाते चढ़ाते छप्पड़ में डिग गया मेरा पुत्र। मेरा मुंडा पतंग चढ़ा रहा था तो डिग गया पतंग चढ़ाते चढ़ाते छप्पड़ से। अकेला था जाओ सब? ये दो तीन बच्चे थे। मैं कहा मेरा मुंडा अंदर ही हैगा, मैं तो छप्पड़ते नहीं जा रहे देती। पता लगा मेरे पास फोन गया तो बोला कि बेटा तुम्हारा उसमें छप्पड़ में गिर गया, ते जल्दी सी ना आ जाओ, सब ने निकाल रहा है, निकल नहीं रहा है। तो मैं उसे भाग के चला आया, सब कह रहे उधर उधर है उधर उधर का। मेरा बेटा किनार पे लगा हुआ था तो एक बेचारा भला मांस आदमी आया, मैंने देखा जरा गोता मार जमीन पकड़ कर देखना, उसने जमीन पकड़े दो सीरी गोते में उठा के ले आया मेरे लाल को, मेरे बेटा को। अगर थोड़ी देर पहले आया तो साथ मेरी बेटा की जिंदगी बची जाती मेरे लाल की। छप्पड़ दे बेच अज रवि पहले बेटा डिगा, बेटे ने बचाने वास्ते बेटी डिगी, मगर बेटी ने छाल मारी, बेटी दे बचा ली, बेटा नहीं बचिया तो उन्होंने इस करके डैथ हो गई। सरकारी टांडे सरकारी हॉस्पिटल लैके आए हैं पर नहीं जान नहीं बच सकी उन्होंने। अरे